हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एम एस बाजू और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ मारुति फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस मॉडल। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके प्राइस को। तो इसका एक्शोरूम पड़ता है आपको 872,500 रुपये। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अभी हमें जीरकपुर नेक्सा में, तो यहाँ पे इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ता है 982,818 रुपये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशन और वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो आपको बताते हैं इसका सबसे पहले डायमेंशन। तो लेंथ आपको मिलते हैं 3995 mm, विड्थ आपको मिलती है 1765 mm और हाइट आपको मिलती है 1550 mm। बाकी शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट का डिज़ाइन आप देखोगे तो काफ़ी मस्कुलर सा डिज़ाइन लगता है देखने में और काफ़ी इंस्पायर्ड लगता है ये ग्रैंड विटारा से। बाकी ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है, साथ में आपको यहीं पे DRLs भी मिलती हैं। 3 क्यूब के अंदर ये काम करती हैं LED में है। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको LED लाइट मिलती है और हाई एंड लो का यही काम करती है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है सिल्वर कलर के अंदर और सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो, साथ में आपको ग्लोसी ब्लैक के अंदर इसकी ग्रिल मिलती है। तो भाई फ्रंट का डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी चलते हैं साइड पर। तो साइड्स पे सबसे पहले आपको बताते हैं इसका व्हील बेस। तो व्हील बेस आपको 2520 mm का मिलता है। उसके बाद देखेंगे इसका साइड इंडिकेटर, तो ये आपको मिलता है ORVM के ऊपर और LED के अंदर आपको मिलता है। टायर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 195/60R16 का टायर मिलता है, साथ में अलॉय व्हील मिलता है। भाई अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो साइड्स पर आप देख सकते हो भाई आपको B pillar और C pillar इसका मिलता है ब्लैक आउट में और आगे आपको क्वार्टर ग्लास भी मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 190 mm की बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सो ये है इसका भाई साइड पोर्शन। तो पूरा आपने अभी कवर कर दिया है। तो अभी देखते हैं पेट्रोल टैंक को इसके। तो पेट्रोल टैंक इसके अंदर आपको 37 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। तो पीछे आप देखोगे तो आपको ऊपर शार्क फेन एंटीना और रूफ रेल्स मिल जाती हैं। क्वार्टर ग्लास भी आपको पीछे कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो अभी चलते हैं बैक लुक की तरफ। तो बैक लुक इसकी आपको हम दिखाते हैं। तो बैक की लुक आप देखोगे तो भाई बहुत ही बढ़िया इसकी बैक लुक आपको देखने में लगेगी। LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं, साथ में नीचे आपको इंडिकेटर जो मिलता है वो भी आपको LED मिलता है। सो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। सेंटर से कनेक्ट करती हुई ये लाइट्स मिलती हैं आपको। ऊपर आप देखोगे तो आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। कोई भी यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर नहीं मिलता। डिफोगर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। नीचे आप देखोगे तो आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर के अंदर और पीछे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। 4 पार्किंग सेंसर आपको कंपनी की तरफ से दिए गए हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको बैक लुक इसकी देखने में लगेगी। काफ़ी बढ़िया फ्रेश डिज़ाइन आपको मिलता है। सो भाई अभी एक्सटीरियर कंप्लीट कर दिया है तो अभी आपको लेके चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले इंटीरियर में आपको दिखाते हैं इसका ड्राइवर साइड का डोर। तो डोर में आप देखोगे तो आपको पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल और साथ में आप लॉक अनलॉक का यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। पीछे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मिल जाता है, आपको फैब्रिक की यहाँ पर प्लेसमेंट मिलती है। डोर में आपको स्पीकर ग्रिल और साथ में आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। ड्राइवर सीट्स की बात करें तो ड्राइवर सीट में आपको यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती। सो आपको रिक्लाइन एंगल के लिए यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सीट्स की कुशनिंग और अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अभी देखते हैं इसका स्टेयरिंग व्हील। तो स्टेयरिंग व्हील के अंदर आप देखोगे तो आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे टेलीफोनी के कंट्रोल, मीडिया के कंट्रोल और टेलीफोनी के नीचे आपको बटन मिल जाते हैं। डी कट में ये स्टेयरिंग आपको मिलता है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आपको मैनुअल में इसका टैकोमीटर और स्पीडोमीटर मिल जाते हैं। बीच में आपको LED स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको रेंज वगैरह इसकी सारी शो होती है और साथ में आपको इसका फ्यूल लेवलिंग वगैरह सारा यहीं पे LED स्क्रीन के अंदर शो होता है। तो सेंटर में मिल जाती है आपको 7 इंच की टच स्क्रीन, साथ में आपको इसमें एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले जैसे सारे फंक्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। AC वेंट्स मिल जाते हैं। बीच में आपको ZART का बटन और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें AC कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। नीचे आप देखोगे तो आपको USB पोर्ट और साथ में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको कुछ स्पेस और कप होल्डर मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आपको गियर नॉब भी ऑटोमेटिक वाला ही मिलता है।
उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक और पीछे आपको कोई भी यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, कुछ स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाती है। सो डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आएगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको ठीक ठाक साइज़ में यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है, कोई भी इसमें आपको कूल फंक्शन वगैरह नहीं मिलता। पर लुक्स आप देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया आपको इसका डिज़ाइन मिल जाता है। डैशबोर्ड काफ़ी आपको प्रीमियम फील देगा। सो ये है इसका पूरा डैशबोर्ड। अभी देखते हैं इसका ऊपर का सन वाइज़र। तो ड्राइवर साइड सन वाइज़र पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता भाई, टिकट होल्डर भी यहाँ पे नहीं मिलता, प्लेन ही आपको मिलता है। सेंटर में आपको हैलोजन लाइट्स मिल जाती हैं, तो दो यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं। दूसरे सन वाइज़र पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है। सो उसके बाद देखते हैं इसका IRVM। तो ये आपको मैनुअल में मिलता है जो कि आपका ठीक ठाक काम चला देगा। सो ये है इसका पूरा डैशबोर्ड। लुक्स आप देख सकते हो, आपको लुक कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और लाइट के लेवलिंग के लिए यहाँ पे स्विच मिल जाता है। सो ये है पूरा इसका इंटीरियर। अभी चलते हैं बैक साइड पर। तो बैक साइड का डोर भी आपको सेम थीम में मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता, पावर विंडो का कंट्रोल साथ में। आप पीछे देखोगे तो आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक मिल जाता है। नीचे आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल और बॉटल होल्डर। तो ये इसका बैक साइड का डोर। तो अभी दिखाते हैं आपको सिटिंग। तो सिटिंग में देखेंगे तो भाई पीछे की सीट्स की चौड़ाई आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तीन आपको इसके अंदर हेडरेस्ट दिए जा रहे हैं BS6 के बाद में, और तीनों आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। पीछे की आप स्पेस देखोगे तो आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो अगली सीट मेरे हिसाब से सेट होने के बाद काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। सेंटर में आपको कोई भी यहाँ पे AC वेंट्स नहीं मिलते, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको मिल जाता है, साथ में आपको कुछ स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी। सो सेंटर में देखेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट इसमें नहीं मिलता। बाकी ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, तीन आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। तो सेंटर में आपको रूम लैम्प मिल जाता है इसका। पीछे से बैठ के आप देख सकते हो, यहाँ से इसका डैशबोर्ड की लुक आपको ऐसी दिखाई देती है। तो अभी देखते हैं इसका बूट स्पेस। तो बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। सो लाइट्स वगैरह देखेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पे लाइट्स वगैरह इसमें नहीं मिलती। टायर सेक्शन की बात करें तो सेम ही आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो दिया जा रहा है स्पेयर व्हील। तो यह है इसका पूरा बूट स्पेस। तो ऊपर आपको पार्सल ट्रे भी कंपनी की तरफ से दी जा रही है, साथ में पूरा आपको कवर्ड एरिया मिलता है यहाँ पे। तो ये है इसका भाई पूरा बूट स्पेस। तो अभी बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन में 1.2 लीटर का आपको ड्यूल जेट ड्यूल VVT इंजन मिल जाता है। 1197 CC का ये इंजन है। 88.50 BHP की ये पावर जनरेट करता है। 113 Nm की ये टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी की तरफ से जो क्लेम की गई माइलेज है वो है 21.79 KMPL। सो ऊपर आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इंसुलेशन वगैरह। इंजन आपको काफ़ी रिफाइंड इसका मिल जाता है। सो आपको गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में।